आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी एंड टेस्टी बनाना आइसक्रीम रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में हम केले और दूध तो खाते ही हैं, तो आज हम बनाएंगे इन्हीं दोनों चीज़ों से हेल्दी एंड टेस्टी आइसक्रीम बिना व्हिप क्रीम के यूज़ किए। मैंने यहाँ पे लिया है 9 से 10 पके हुए केले। मैंने इन केलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन केलों का छिलका हटाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा पका हुआ केला नहीं चाहिए। हम ऐसे ही सारे केलों को छील लेंगे। आप इस आइसक्रीम रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे सारे केलों को छील लिया है। अब हम इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखें कि हमें केलों को ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं काटना। मैं यहाँ आपको एक और केला कट करके दिखा देती हूँ कि हमें ऐसे ही केले को कट करना है। हमें ज़्यादा पतला केला नहीं काटना, बस हमें मीडियम साइज़ का ही काटना है। अब मैं इन कटे हुए केलों को एक प्लेट में रख लेती हूँ। मैं इसे रखने के बाद हम बाकी के केले को भी काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे केले को कट कर लिया है और मैंने इन केलों को ज़्यादा पतला पतला भी नहीं काटा। अब हम इन कटे हुए केले को एक प्लेट में रखेंगे। हमें इन केले को अलग अलग रखना है। हम ऐसे ही सारे केले को रख लेते हैं। अब हम इसे क्लीनिंग रैप से कवर करेंगे। आप क्लीनिंग रैप की जगह सिलर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। मैंने इसे कवर कर दिया है। अब मैं इसे 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रखूंगी ताकि ये फ्रोज़न हो जाए। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते थे, पर ये 3 से 4 घंटे में ही तैयार है। तो अब मैं इसका क्लीनिंग रैप हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कैसे चिपक सी गई है इसमें। तो अब मैं इसे अलग कर लेती हूँ। अब हम एक चम्मच की मदद से इसे अलग करेंगे। तो बस ये इतनी फ्रोज़न हो चुकी है कि इसे निकालना भी मुश्किल है। केला अलग हो गया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम डालेंगे केला। केला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हनी, यानी कि शहद। आपके पास शहद हो तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर शहद से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शहद का यूज़ किया है। आपके पास है तो डालें, वरना स्किप करें। अब हम इसमें डालेंगे दूध। आप गाय का, भैंस का या पैकेट वाला भी दूध ले सकते हैं। मैंने पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम मिठास के लिए डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। कम पसंद है तो कम डालें, ज़्यादा चीनी पसंद है तो ज़्यादा डालें। अब हमें इसमें दूध थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसमें दूध का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी, यानी कि थोड़ा और इसमें दूध डालूँगी। हमने ये जो दूध रखा है ना, हम इसमें सारे दूध का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट एंड स्मूथ टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार होने वाली है हमारी बनाना आइसक्रीम रेसिपी। आप इसमें चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, पर मैंने कहा ना, ये सिर्फ घर के चीज़ों से बनके तैयार होगी। तो मैंने इसमें ना क्रीम, ना ही वनीला एसेंस, ना कोई और एसेंस का यूज़ किया है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़े और दूध। हम दूध को ऐसे ही चला के चम्मच से मिलाएंगे। हम इसे अभी ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड नहीं करेंगे। मैं इसमें डालूंगी और 2 चम्मच चीनी। हम इस चीनी को भी अच्छे से मिला लेंगे। और चीनी को मिलाने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम लेंगे एक बाउल। अब हम इस बाउल में इस दोनों को आधा आधा करेंगे ताकि ये और अच्छे से ग्राइंड हो सके, बिल्कुल और स्मूथ सा। अब हम इसमें डालेंगे अपने बचे हुए दूध को। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ येलो फूड कलर।
आपके पास फूड कलर है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है। तो बस अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुका है, कितना स्मूथ टेक्सचर लग रहा है। तो बस ये मेरा फाइनल प्रोसेस है इस आइसक्रीम का। अब बाउल में डालेंगे हम आइसक्रीम, चाहे तो इसे बाउल में जमाएं, या फिर मैंने यहाँ पे जो कॉफ़ी कप लिया है उस कॉफ़ी कप में भी आप इसे जमा सकते हैं। तो मैंने इन दोनों का यूज़ किया है आइसक्रीम को जमाने के लिए। फिर से हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे अपने बाकी मिक्सचर को। अब हम इसमें डालेंगे फिर से दूध। यहाँ पे मैंने पूरे आइसक्रीम को बनाने के लिए आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इस आइसक्रीम में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि हमारा जो आइसक्रीम तैयार हो वो ज़्यादा मीठा ना हो। अब हम इसे भी 2 कप में डालेंगे। हम इन दोनों आइसक्रीम को अलग अलग नहीं बना रहे, तो बस अब मैं वाइट वाले को येलो वाले आइसक्रीम में ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद हम इसे बस ऊपर से हल्का हल्का चलाएंगे, ताकि अंदर से ये कुछ अच्छा सा बन जाए। आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग भी जमा सकते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे लेंगे क्लीनिंग रैपर। अब हम इस रैपर से इसे अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सिल्वर फॉइल। इससे क्या होगा कि हमारे आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेगा। अब मैं इसे सेट होने के लिए 7 घंटे फ्रीज़र में रख देती हूँ। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी आइसक्रीम, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनके। तो ये 7 से 8 घंटे हो गए थे, तो मैंने इसे निकाल लिया था। अब मैं इसे अलग अलग करके दिखाती हूँ। ये वो कप वाला आइसक्रीम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं आया है आइसक्रीम में। अब हम इस आइसक्रीम को निकाल लेते हैं, हमें इसे निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इसे नीचे से हल्का पुश करें, हमारी आइसक्रीम निकल के तैयार है। हम ऐसे ही इन सारे आइसक्रीम्स को निकालेंगे। अब मैं इस चम्मच की मदद से अपने बॉयल वाले आइसक्रीम को निकालूंगी। बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार है ये, और खाने में ही ऐसे ही लाजवाब। आप इस आइसक्रीम को एक बार घर में ज़रूर बनाएं। आप मार्केट वाली आइसक्रीम मंगाना और खाना भूल जाएंगे, आप इसे बार बार घर में ही बना के खाएंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी होममेड हेल्दी एंड टेस्टी बनाना आइसक्रीम। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।